बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो जी हमारी क्लास फाइव की मॉडर्न इंग्लिश पर है और आज मैं आपके साथ एक नज़म दिस मॉर्निंग इज़ आवर हिस्ट्री टेस्ट की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो आपने ज़रूर एंड तक देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, सॉरी एक्सरसाइज को हम। इसमें पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सवाल सवाल के जवाब देने हैं। पहला सवाल है विच आइटम ऑफ क्लॉथिंग डिड द चाइल्ड राइट नोट्स ऑन। तो इसका आंसर मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। क्लॉथिंग आइटम्स आर इनसाइड द कोट एंड सॉक्स। बी पार्ट फाइंड द टू फ्रेजेस टू शो दैट द चाइल्ड हैज रिटन द नोट्स इन सच अ वे दैट अदर विल नॉट बी एबल टू रीड दैम। इसका आंसर द फ्रेज आर दैट ओनली आई कैन अंडरस्टैंड इन सीक्रेट कोड। अगला सवाल वट इमोशंस डज द चाइल्ड यूजली फील बिफोर द टेस्ट। आंसर द चाइल्ड डिड नॉट फील नर्वस एंड और स्केयर्ड बिफोर टेस्ट। अगला सवाल वाई कांट द चाइल्ड रीड द नोट्स। आंसर Because he had left his glasses at home. Next question. Is it a good idea to cheat in exam? What should one do instead of cheating? Answer. Cheating is not a good during exam. One should properly prepare for exam instead of cheating. अगला क्वेश्चन है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है दिस पोइम यूजेस एक्सेक्शन टू क्रिएट ह्यूमर विच थिंग्स दैट द चाइल्ड से वी ही हैज डन आर अनलाइकली टू बी ट्रू इन योर ओपिनियन। आंसर इट इज़ अनलाइकली फॉर अ चिल्ड्रंस टू राइट डाउन ऑल द फैक्ट्स अबाउट बिल्डिंग पीपल एंड प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड आर नो एज नोट्स। आंसर अगला ये मैंने शेयर कर दिया। अगला सवाल पढ़ लें पहले। If the child had written all these road notes, would he or she need to cheat? Answer: The time and effects and effort it would take to write out all the things mentioned would have been better spent on studies. This relatively short amount of content needed for a school history test. Last है, is there a moral टू दिस पॉइंट? आंसर चीट्स नेवर सक्सीड्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है जो कि है अबाउट द पोइट्री। पहला क्वेश्चन है लुक एट द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोइम विच लाइन राइम्स। पहला आपने राइमिंग स्कीम बतानी है, इसकी राइमिंग स्कीम देख लें आप यहाँ पर पोइम में। टेस्ट वेस्ट है ए ए बी बी सी और डी, ठीक है ये राइमिंग स्कीम है, ये आप बेशक नोट डाउन कर लें। आगे हमारे पास आता है वो कह रहे हैं राइमिंग पेयर्स लिखें अपनी नोटबुक में पोइम से देखकर। जैसे टेस्ट वेस्ट प्रिपेयर्ड स्केयर्ड स्टोर्ड कोड नेम गेम्स नोट्स कोट्स पीस पीस। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर थ्री है ये वैसे एक प्रैक्टिकली है इसलिए मैं आपको नहीं करवा रही। हम क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ चलते हैं। वो कह रहे हैं लिस्ट फाइव टॉपिक्स दैट द नोट्स वर अबाउट। नोट्स के किन किन चीज़ों के मुतालिक था? विनर्स ऑफ ओलंपिक गेम्स बिल्डिंग पीपल एंड प्लेसेस टेनिस टेंसेस टू टेबोक और रोम एंड एशियन ग्रेस, इनके मुतालिक थे नोट्स। अगला सवाल है फ्रेज लिखना है आपने फ्रॉम दीज लाइंस इज रिपीटेड एनीवर्स वेयर। इसका जवाब आपने खुद राइट करना है, मैं आपके साथ भी पार्ट शेयर कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर वन इसका है कि आपने इसमें जो है कंपेरिजन करना है, कंपैरिजन के लिए जो वर्ड्स हैं वो बताने के कौन से यूज हो रहे हैं। तो ये मैंने नोट डाउन किए हुए हैं, ये देखिए आप लिख लें, नोट डाउन कर लें इसको। ये देखिए जी ये सेंटेंस मुकम्मल किए हुए हैं मैंने। अब हम सी पार्ट की तरफ चलते हैं जिसमें हमने कंजंक्शन प्रपोजिशन और इंटरजेक्शन ढूंढने हैं। तो कंजंक्शन इसमें कौन कौन से हैं वो हैं सो, इसके अलावा हमारे पास टू एंड बट। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कंजंक्शन हैं। अब बात करते हैं प्रेपोजिशन की। ओवर आउटसाइड फ्रॉम। लास्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन है जी हेवन्स स्टोन
ये दो इंटरजेक्शन और यहाँ पर लिसन, ये इंटरजेक्शन है। और अब हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि है जी आर्टिकल पर, आर्टिकल में यानी आपने वर्ड दा का यूज़ होना है, जहाँ जहाँ वर्ड दा का यूज़ हो रहा है वहाँ मैंने दा लगा दी, और जहाँ स्किप किया इसका मतलब वहाँ पर दा की ज़रूरत नहीं है। तो ये देख लें आप किस किस ब्लैंक में दा आएगा, ये देख लें। और ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ दिस हिस्ट्री इज़ अवर दिस मॉर्निंग इज़ अवर हिस्ट्री टेस्ट की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन शेयर किया है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़।